पकड़ी रख गए पत्थर को। ये देखे, ये इन्होंने जाहिर नहीं, ये पत्थर जो है वो देखे कैसे पकड़ा हुआ है, जोर लगाए रोका हुआ है। चलो मैं जा रही हूँ। ये देखें जी कितना बड़ा पत्थर इन्होंने, वाह जी वाह, वायरल करो वीडियो, वायरल करो, वायरल करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिया टीवी, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैं खैर खाना बनवा रही हूँ अपने लिए, चिकन कढ़ाई, देसी चिकन बन रहा है यहाँ पर, और फिर आपको आगे ले कर चलती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत आसार कदीमा डिस्कवर हुआ है टेक्सला में, बिल्कुल न्यूली, और वहाँ पे बोर्ड लगा दिए गए हैं। आप सबको जाना हो तो आप बोर्ड की मदद से, आप गूगल की मदद से लोकेशन ऑन करें और उस जगह पर पहुँच जाएं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा चलना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल सफ़र है, लेकिन मुश्किल सफ़र का ही अपना मज़ा आता है। सो कैरी ऑन। और ये देखें यहाँ पे गिड़ी शरीफ इसको बोलते हैं, ये वहाँ पे दरबार भी है, तकरीबन 800-900 साल पुराना दरबार है यहाँ पर। एक बहुत ही प्यारा चश्मा है जो पूरे गांव को सैराब करता है अपने पानी से, और बहुत मीठा चश्मा। मैंने भी यहाँ से पानी पिया और बोतल भी भर कर लेके गई, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पानी में जो है बहुत शिफा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये भी 800-900 साल पुराना है। और यहाँ पे मैं कुछ तस्वीर जो है वो आपके लिए मैंने कैप्चर की थी, और ये वो चश्मा है जो पूरे गांव को सैराब करता है। देखें कितना छोटा सा, और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। ये जो है ये सारा गिरी फोर्ट है, और यहाँ पे कोई बादशाह यूसुफ जो है वो भी रहा करता था, और इस जगह पे सब हिंदू रहा करते थे, और फिर बकौल यहाँ के लोगों के कि जलजले आए और सब कुछ मलिया मेट हो गया। ये गिड़ी शरीफ है, और ये मैं हूँ, और बहुत ही खूबसूरत प्लेस, माशाल्लाह आप लोग ज़रूर जाएं और यहाँ पर जाके एंजॉय करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ का व्यू जो है वो इतना खूबसूरत है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के इतने ज़्यादा झंझल हैं और उनमें हर वक्त फंसा रहता है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम, तकरीबन महीने में एक आध दफ़ा तो लाजमी वो बाहर निकले, और ख़ासकर ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पर ऐसे व्यूज़ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत। और मैं तो बहुत यकीन करें रिलैक्स करती हूँ ऐसी जगहों पे। सो आप भी ज़रूर जाएं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इस जगह को एंजॉय करें, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये जगह भी पसंद आएंगी। मैं जो जो व्लॉग डालती हूँ, मैं पहले वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ सारा कि क्या ये व्लॉग जो है ये इस काबिल है कि इसको आपके लिए पेश किया जाए। तो मेरे ख़्याल से मैं अभी तक जिन जिन जगहों पे गई हूँ पाकिस्तान की, एक से बढ़कर एक है, और मेरा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसकी एक एक जगह को डिस्कवर करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड के हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और माशाल्लाह जो नेचुरल व्यू है वो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से हमारे पाकिस्तान में है। तो थोड़ी सी तबीयत नासाज हुई हुई है आगे पीछे घूम फिर के, उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी चेंज हुई है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे दो कोई बच्चे आगे जा रहे थे जो गाड़ी की डिग्गी में बैठे हुए थे, वो बड़ा ही इन्जॉय कर रहे थे। इन्हें देख के जी हमें हमारा बचपन याद आ गया, हम भी कभी ऐसे बैठा करते थे और बहुत मज़ा आता था, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान जाते थे घूमने फिरने, बहुत प्यार मोहब्बत आपस में होता था। लेकिन अब वो बातें नहीं रही। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो गई है तैयार और मैं खाने लगी हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।